काम करो, बीना और विद्या की तस्वीरें सारे थानों में भिजवा दो, क्योंकि ये दोनों का मिलना हमारे केस की सबसे जरूरी कड़ी है। मैं और इन लोगों के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हमको और सुनील को सुनील का फैमिली बहुत पसंद नहीं करता था, तो हम काहे फोन करेंगे उन्हें? उस दिन तो हरीश हमको फोन किया, बोला सुनील का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। हम विश्वास नहीं किए, हम बहुत बार सुनील का फोन ट्राई किए, बार बार फोन ट्राई किए, पर मिल ही नहीं रहा था। फिर कुछ देर बाद अम्मा और हरीश एक डेड बॉडी एक डेथ सर्टिफिकेट के साथ फ्लैट पर आए। कौन है? सुनील का डेड बॉडी है, सुनील का। हम नहीं मानते। अरे डेथ सर्टिफिकेट देख, मृत प्रमाण पत्र। हम नहीं मानते वो मरे। तेरे मानने न मानने से कुछ नहीं होता है, समझ गई ना? अस्पताल में है वो, एक्सीडेंट हुआ है मगर जिंदा है। अगर हमारी बात नहीं मानेगी ना तो वहीं पे मार देंगे उसको, समझी? चल इस पे दस्तखत कर, कर इस पे दस्तखत। पर मैडम हम फिर भी माने नहीं उसकी बात, हम मना कर दिए। तो अम्मा विद्या को लेके कमरे में चली गई और हरीश वही लाश के सामने हमारे साथ जबरदस्ती किया। हमसे जबरदस्ती वो कागज पर दस्तखत भी करवाया वो हरीश। फिर हम गांव से इलाहाबाद वापस आ गए, अस्पताल जाके इनसे मिले, बहुत चोट आया था इनको। यहां से विद्या का नाम कटवाया और दिल्ली के एक स्कूल में बात कर ली है हम लोगों ने। 3 महीना बाद जब सुनील डिस्चार्ज हुए तो हमको बस स्टैंड पे जाके मिलना था उनसे दिल्ली जाने के लिए। पता नहीं कैसे वो हरीश फिर फ्लैग पे आ गया। कहां जा रही है? दिल्ली। तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा, चुपचाप भाग जाएगी? हमको जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, आप सब रख लो, बस हमको जाने दो। पक्का किसी से कुछ नहीं कहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनील को भी कुछ नहीं बताएंगे हम, पता नहीं कैसे उसका मन बदल गया, बोला चलो हम तुमको छोड़ के आते हैं बस स्टैंड पर। फिर क्या हुआ? फिर वो हरीश हमको इनसे मिलाने की बजाय दिल्ली लेके चला गया। वहाँ एक बस थी धौला कुआं, वहाँ हमको एक किराए का मकान भी दिलाया, बोला सुनील यही आएगा, वो पैसा लेके आ रहा है। इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं अब, वरना इस बार सुनील को सच में मार देंगे। उसके बाद हम पूरा एक महीना इंतजार किए मैडम, सुनील नहीं आए। रोज सोचते थे आ जाएंगे, कल आएंगे। एक रात हरीश फिर आया, हम पूछे कहाँ है हमारा पति, तुम बोले थे आएगा, आया ही नहीं अभी तक। तो वो बोला तुम्हारा पति मर गया है और ज्यादा नखरा करेगी ना तो बेटी को भी मार देंगे। अंदर रहना, शोर करेगी ना जान से मार दूंगा। मैं हमको छोड़ दो, हम आपका हाथ जोड़ते हैं। हमको जाने दो ना, आप काय कर रहे हैं ऐसा? हमको जाने दो, हमको जाने दो। चला गया मैडम, हमारी विद्या को हमसे अलग कर दिया।
हमको बोला किसी को कुछ बताया ना बिट्टे को मार देंगे। कल रात का कस्टमर बहुत खुश नहीं हुआ तुझसे, बोला मजा ही नहीं आया। और आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। पहले बात सुन मेरी, ज्यादा जुबान मत लड़ा। देखो क्या है ना कि आजकल सिर्फ शरीर का ही नहीं मन का भी सुख देना पड़ता है मर्दों को। औरत नहीं बिस्तर पे उनको प्रेमिका चाहिए, लवर, गर्लफ्रेंड। तो समझ रही ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले किस, मिस, फिर बाकी से। नहीं मैडम, हम लोग नहीं पहचानते हैं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते मैडम। मैम, दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट आई, लड़की की अभी तक कोई खबर नहीं। तो खबर निकालो। लड़की की उम्र अभी 15-16 साल की है और अपराध की दुनिया में ये बहुत ही खतरनाक उम्र होती है। मोहित। जी मैडम। ये लड़की विद्या, कहाँ मिली तुम्हें? मैडम मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो मेहरौली पार्टी अटेंड करने गया था। उस लड़की को मैं नहीं जानता मैडम, विश्वास कीजिए मेरा, इस मामले में मेरा कोई रोल नहीं है। तुम्हें दिखाते हैं तुम्हारा इस मामले में क्या रोल है। ध्यान से देख। अब सब कुछ सच सच बताना है या खातिर किए जाए तुम्हारे? अरे मैडम बता दो, मैडम बता दो, उस रोज सुनील का एक्सीडेंट मैंने किया था। वहां पब्लिक आ गई और मुझे भागना पड़ा। मेरा काम अधूरा रह गया और ये बताने के लिए मैंने फोन लगाया। फिर हमने एक नया प्लान बनाया, एक दूसरी लाश लेने की। मैं हॉस्पिटल गया और पैसे देके एक नई लाश खरीदी, पत्थरों से उसका सर कुचल दिया और उसकी उंगली काट दी। फिर मैंने उसके हाथ पे गाड़ी चला दी ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि उसकी उंगली ताजी कटी है। किसके लिए किया ये सब? किसके लिए किया? मैडम तुम्हारी पत्नी बिना कहाँ है? साहब अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई। हवलदार, तुम में से किसी ने देखा क्या बिना कहाँ गई? उसको तो बाहर की तरफ जाते हुए देखा सर। बात क्या है साहब? उसका नंबर है क्या तुम्हारे पास? हाँ है ना, कॉल करो। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं स्विच ऑफ है। फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है उसका। हवलदार सर एक काम करो, इसके साथ जाओ, देखो कि बिना कहाँ है, आस पास ही कहीं होगी, ज्यादा देर पहले नहीं निकली है, और जैसे ही वो मिलती है मुझे बताना। जाओ जल्दी जाओ। बाद आया था, ये औरत बिना मुझे यही मार्केट में मिली, अपने पति से बोर, अपनी शादी से बोर, कहती थी कि दिन भर बिजी रहते, हम मिलने लगे। कहाँ मिलते थे? होटल में कमरा बुक करते थे। रोज रोज छुप छुप कर मिलना हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने बिना को भगाने का प्लान किया। पति के पास जमीन तो थी उसकी, तो बस पहले पति को मारने का प्लान और फिर डेड बॉडी। जमीन बिकी, बीना को उसका हिस्सा मिला। यानी सुनील के बड़े भाई का इसमें कोई हाथ नहीं था? नहीं मैडम। पर बीना का पति तो अब तक जिंदा था। तभी तो मैंने उसको रास्ते से हटाने के लिए एक नया प्लान बनाया, और वो जब बीना से मिलने निकला तो मैंने मौका देखते उसके बैग में ड्रग प्लांट कर दिया, और पुलिस को भी मैंने ही लीड दे दी। बस स्टैंड पे पुलिस ने उसे धर दबोचा। और फिर दिल्ली निकल गए तुम तीनों? जी मैडम।
और बीना के 50 लाख? उसे बहला फुसला कर मैंने सब पैसे ले लिए मैडम। और उसकी बेटी भी कहाँ ले गया था उसको? कहाँ ले गया था उसको? मैडम उसे दिल्ली लेके गए, वहाँ कॉल गर्ल के धंधे में सब अपने लोग हैं, वो उस पर बेच दिया उसको। बेटी वेश्या वृत्ति में और माँ को भिखारन बना के सड़क पे छोड़ दिया भीख मांगने के लिए, यही जिंदगी प्रॉमिस किया था क्या तू उसको? बीना अपनी वैवाहिक जिंदगी से बोर हो चुकी थी, नतीजा उसने उसे एक झूठ से बदलने की कोशिश की और ऐसे परिणाम सामने आए कि कुछ बचा ही नहीं। परिवार, इज्जत, बेटी, पति, जान सब कुछ चला गया। अलाहाबाद की एक सत्र अदालत ने हरीश और माधव को बरी कर दिया और मोहित को धोखाधड़ी, देह व्यापार, अपहरण और अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जामों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिंदगी सच के आधार पर चलती है और अगर हम उस सच के रास्ते पर ना चलें तो बना बनाया आशियाना उजड़ने में और जिंदगी की मीठी अनुभूतियों को कड़वा सच बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.